तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम जानेंगे 1962 की चाइना वॉर के बारे में। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको बता दिया जाता है कि ये पार्ट वीडियो जो है टू पार्ट्स में आएगी, इसलिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में नॉलेज आपको जल्द से मिल जाए। चलिए और नेक्स्ट पार्ट इसका टू आएगा वो कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा इन दो व्यक्तियों से। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं ये दो व्यक्ति, और इन दो व्यक्तियों का नाम है माओ जेडुंग। माओ इस पहले व्यक्ति का नाम है माओ जेडुंग। ये वही व्यक्ति है जिसके नाम पर आजकल कुछ लोगों को माओवादी नाम से जाना जाता है इंडिया में, और यही वो माओ जेडुंग है जो कि इंडो चाइना वॉर की एक तरह से नींव माना जा सकता है। इसके बाद में आता है जो एनलाई जो कि सेकेंड नंबर पर फोटो लगा है। ये उस टाइम पे जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1960 इंडो चाइना वॉर की जब नींव रखी जा रही थी उस टाइम पे ये प्रीमियर था। प्रीमियर चाइना में एक तरह की प्राइम मिनिस्टर टाइप की पोस्ट होती है, आप कह सकते हैं एक तरह का प्राइम मिनिस्टर था चाइना में, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जब यदि वॉर हुई तो वॉर के कुछ कारण भी होंगे, कुछ रीजन्स होंगे। बगैर किसी रीज़न के तो कोई व्यक्ति लड़ाई करता नहीं है, दो कंट्रीज भी कभी लड़ाई करती नहीं जब तक कि कोई रीज़न ना हो। तो ऐसे कौन से रीजन्स रहे थे जो कि इंडो चाइना वॉर के कारण बने, और चलिए जानते हैं उन सारे रीजन्स के बारे में वो भी स्टार्टिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस हुई थी वो 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 15 अगस्त। लेकिन उस टाइम पे इंडिया जो है उतना सशक्त नहीं था, या फिर कह सकते हैं उसकी उतनी इकोनॉमी नहीं थी, उतना पावर नहीं था, आर्मी में उतनी पावर नहीं थी। इवन आप जो सेकंड नंबर फोटो देख सकते हैं आर्मी के पास शूज़ नहीं थे। हम लोग कैनवा के यूज जो है शूज़ यूज़ कर सकते करते थे जो कि कपड़े से बने होते थे, और जबकि जो सेना को ज़रूरत होती है वो एक मजबूत शूज़ की होती है, मजबूत बूट्स की होती है, ठीक है। अब इसके बाद में तो और कुछ कारण आते हैं, जैसे कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता वाली नीति, जिसे बोलते हैं नॉन अलायंस और ट्रिटी ऑफ द नेहरू। मेरे हिसाब से ट्रिटी शब्द यूज ना किया तो अलग जो है गुटनिरपेक्षता की नीति बोला जाता है नेहरू की। अब वो गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी? उस समय पे देश और दुनिया आप कह सकते हैं कि दो भागों में बटी हुई थी। एक वो भाग जो कि US को सपोर्ट करता है जैसे पहले दुनिया कहा जाता था, और वो भाग जो कि रशिया को सपोर्ट करता है उसे दूसरी दुनिया कहा जाता था। नेहरू ने जो कहा कि हम किसी भी दुनिया को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम फिर अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, चलो एक अलग दुनिया बनाते हैं। नेहरू ने एक नया नारा दिया। कुछ देश नेहरू के सपोर्ट में आए, कुछ कंट्रीज नेहरू के सपोर्ट में आए, और पूरी की पूरी एक नीति बन गई जिसका नाम रखा गया गुटनिरपेक्षता की नीति, ठीक है। अब इसके बाद में एक नया चैप्टर चालू होता है जो कि तिब्बत का चैप्टर था, तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं, इसको करते हैं क्लोज। तो चलिए अब आप मेरे राइट हैंड साइड में एक फोटो देख सकते हैं, जो फोटो जो है मैंने लगा के रखा है आपके लिए तिब्बत के बारे में। ये पूरा मैप है, पहले मैप पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबसे टॉप में देख सकते हैं नदन साइड में, तो नदन साइड में आपको तिब्बत का एक मैप दिखेगा, चाइना का मैप दिखेगा। सबसे पहले हम चाइना के मैप को ही समझते हैं, जो प्रॉब्लम के सारे जड़ प्रेजेंट टाइम पे भी चाइना है और उस टाइम पे भी चाइना ही थी। अभी उसने कोरोना फैला दिया, तब उस टाइम पे वो खुद का देश फैला रहा था। तो 1950 तक तिब्बत एक सेमी ऑटोनोमस जो है कंट्री था। आज़ादी के बाद भी उसको पूरी सत्ता नहीं मिली थी। वहाँ के एक जो सत्ता चलाते थे प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ पे गवर्नमेंट चलती है जिसका गवर्नमेंट का नाम है गवर्नमेंट इन एक्साइल। अब उस गवर्नमेंट इन एक्साइल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपके लिए क्विज है। एक घंटे में आपको दिए देता हूँ। भारत के ही नदन साइड में एक स्टेट में, जहाँ पर कि उसके हेड ठहरे हुए हैं, ठहरे रहते हैं, और जहाँ से वो भाग कर आए थे, तो वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। आपको सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो वहाँ से वो भाग कर आए थे और जहाँ पर रुके थे, तो हुआ क्या था कि 1915 तक ये जो है सेमी ऑटोनोमस कंट्री था। इसकी जो गवर्नमेंट जो है बाहरी से चलती थी, वहाँ पे सत्ताएँ थी, और सत्ता का जो सेकेंड नंबर पे, अब हम इसको मैप को क्लोज करते हैं 2 मिनट के लिए। तो जो अब आप फोटो देख सकते हैं, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इसमें दो फोटो आपको दिख रहे होंगे।
अभी के समय के दलाई लामा नीचे और उस समय के दलाई लामा ऊपर। दलाई लामा वही व्यक्ति थे जो कि उस टाइम पे राज किया करते थे तिब्बत पे, ठीक है। अब तिब्बत पे राज किया करते थे तो यानी कि उनके पास कुछ शक्तियां भी थी। यस, वो उस टाइम के, जैसा कि हम कह सकते हैं यहाँ की अभी मान नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी तरह से दलाई लामा वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जैसे कि हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की तो वहां पर कुछ और भी पावर्स होंगी। लेकिन चाइना, जो मैंने आपको नाम बताया मो जेदुंग और जो एनलाई, ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं और प्रेजेंट टाइम पे भी है ना, जिसका नाम क्या हो, सी जिनपिंग, जिनपिंग। हाँ शायद ये फोटो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये उसका फोटो, ये सी जिनपिंग है कि जिनपिंग है, कभी का नाम जिनपिंग आता है कभी जिनपिंग आता है, तो ये भी बस सही है, चलिए इसको हटाते हैं। तो ये दो फोटो आपको दिख रहे हैं, माओ जेडुंग और जो एनलाई का, ठीक है। तो इनने क्या कहा कि हिस्टोरिक पीरियड में कहीं भी ना कभी तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा रहा है, इसलिए अब भी तिब्बत चाइना का हिस्सा बनना चाहिए। और इस टाइम पे इंडिया ने सबसे बड़ी गलती की कि उस समय पे इंडिया ने इसका भरपूर विरोध नहीं किया। यदि विरोध करता तो हो सकता था तिब्बत भी आजाद होता और अक्साई चीन भी इंडिया से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तिब्बत जो है चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में बफर का काम करता था। बफर से मतलब एक ऐसी जगह जो कि हम दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाती है। जैसे कि अभी हमारे बीच में बफर का काम कर रहा है ये इंटरनेट, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आप वहां से पढ़ रहे हैं इस चीज को, या आप वहां से इस नॉलेज को गेन कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरनेट की दूरी है, एक नेटवर्क की दूरी है, ये हमारे बीच में बफर का काम कर रहा है। इसी तरह से ये तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में बफर का काम कर रहा था, लेकिन 1959 में चाइना ने इस तिब्बत को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये दलाई लामा भाई ये वहां से भागकर इंडिया आए थे और नेहरू जी ने इनको शरण दे दी थी। शरण से मतलब ये थी, जैसे ये भारत आया उन्होंने उनसे वहां से मांगा कि भाई हमें जाने को जगह दे दो आप, तो इंडिया ने कहा हाँ आइए आप, कोई बुराई नहीं। लेकिन उसी टाइम पे ये बात चाइना को बहुत ज्यादा खटक गई। अब खटक गई तो मतलब फटक गई। यदि किसी बात पे, यदि मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है और आपके दोस्त का कोई दुश्मन है और आप उस दोस्त के दुश्मन को अपने घर में जगह दे दें, तो मतलब आपके उस दोस्त से बिगड़नी है पक्का, ठीक है। तो यही हाल हो गया इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद में 1952 में, यदि मैं सही हूँ, तो जब यूएसए से इंडिया को वीटो पावर दी जा रही थी, ऑफर की गई थी इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद में, क्योंकि उस टाइम पे भी पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ थी, इस बारे में कोई बुराई नहीं है, कोई भी चाइना को वीटो पावर देने के फेवर में नहीं था सिवाय नेहरू जी के। अब वहां पे कुछ अलग मामला हो तो हम बता नहीं सकते। खैर उस समय पे इंडिया की ये गलती कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, क्योंकि उस समय पे हमारी इकोनॉमी इतनी नहीं थी कि हम कुछ भी कर सके, तो वो एक गलती भी थी एक मजबूरी भी थी, क्योंकि यूएसए और यूएन के जो सदस्य होते हैं उनकी इकोनॉमी एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फंडिंग करनी पड़ती है बहुत तरह की। लेकिन उस समय पे इंडिया की इकोनॉमी उतनी नहीं थी, तो नेहरू जी ने कहा कि आप ये पॉलिसी हमें मत दीजिए, हमारे बदले में ये पॉलिसी हम चाइना को दिलवाना चाहते हैं, चाइना हमारा अग्रणी राज्य बन जाएगा, या अग्रणी देश बन जाएगा, हम चाइना के पीछे पीछे वर्किंग कर लेंगे। लेकिन चाइना ने वीटो पावर तो ले ली, लेकिन उस समय पे चाइना अपनी बात से मुकर गया, ठीक है। तो ये तो बात हुई तिब्बत के बारे में, माओ जेडुंग और जॉय एनलाई के बारे में। अब बात आती है मेन भारत के बारे में, कि भारत से कौन सी गलती हुई, या अगर कहें कि भारत ने कौन सी गलती की जिससे कि चाइना इतना आगे बढ़ गया। तो चलिए आगे की शुरू करते हैं, द चैप्टर बिटवीन द वॉर ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस मामले में। तो जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा एशिया का मैप। अब जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया तो उसके बाद में इंडिया से उसकी डायरेक्ट रीच बढ़ गई। लेकिन जो मैंने NEFA लिख रखा है, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है, तो 1947 के बाद में ये कुछ एरिया को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एजेंसी को इसकी सत्ता सौंप रखी थी कि आप इस प्रदेश को संभालिए। लेकिन चाइना ये कहता था कि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है ये सदर्न तिब्बत है और ये मुझे वापस चाहिए, मैं इसको वापस लेके रहूंगा। लेकिन इंडिया भी देने को तैयार नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश बना 1962 के बाद में, ठीक
ठीक है, 1962 बल्कि कह सकते हैं 1980 के बाद में अरुणाचल प्रदेश में, उससे पहले इसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं चाइना ने दो जगह पे आक्रमण किया। अब जैसे जैसे आक्रमण करते, जैसे जब भी पेट्रोलियम बढ़ती, चाइना अपने लगातार पेट्रोलियम बढ़ाता, और जब भी इंडिया की सेना पेट्रोल बढ़ाने की कोशिश करती तो वहाँ चाइना के लोग इंडिया की आर्मियों को या तो रोक लेते या फिर चाइना की जो आर्मी थी, सीधी भाषा में कहा जाए तो वहाँ पे गोलियां चलने लगती इंडियन फोर्स के ऊपर। और जबकि नेहरू जी क्या कर रहे थे, नेहरू जी बढ़िया शांति से अपने घर में थे। और ये जो आप इंडिया का मैप दे सकते हैं, अक्साई चीन जो मैंने फोकस कर रखा है, आप वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पर जो है एक झील है जिसका नाम पेंगोंग झील है, लद्दाख में है। इसका 40% ऑफ द एरिया इंडिया में है और 60% ऑफ द एरिया इसका चाइना में है। अप्रोक्सीमेटली 100 या 120 किलोमीटर लंबा ये लेक है, पूरा तालाब है। बोंगडी सो और पेंगोंग सो, सो का मतलब ये जहाँ पे TSO लिखा रहा है, मतलब तसो नहीं है, क्योंकि चाइनीज भाषा में या फिर आप कहें लद्दाखी भाषा में टी का कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है। वहाँ पे हम टोमेटो बोलते हैं तो टमाटो बोलते हैं वो लोग, इसलिए वहाँ पे TSO का मतलब सो, सो का मतलब होता है तालाब इन इंग्लिश, इसको बोलेंगे। एक कोई भी ऐसे पुल वगैरह कह सकते हैं आप, बड़ा स्विमिंग पूल टाइप होगा कुछ, इंग्लिश में कुछ बोलते होंगे उसको, हिंदी में तालाब समझ लीजिए आप। तो ये हो गई उन चीज़ों की बात। अब आती है मेन बात 1962 की सबसे बड़ी गलतियों पर फोकस करते हैं हम। कुछ लोग कहते हैं नेहरू की गलती थी, कुछ लोग कहते हैं रक्षा मंत्री की गलती थी, लेकिन गलतियां इतनी ज़्यादा हुई कि पूरी की पूरी सीरीज बना दी इन लोगों ने। चाहे वो गलती हमारे मेजर जनरल की कम एक्सपीरियंस की हो, या फिर गलती हो वो जवाहरलाल नेहरू की, गलती हो भारतीय सेना की, आप कभी नहीं कह सकते सेना की गलती हो। हाँ, सेना के कुछ अधिकारियों की कुछ गलती हो बात अलग है, बाकी हमारी सेना हमारे पूरे देश के लिए डेडिकेटेड है और हम भी अपने सेना के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ठीक है। और चाहे गलती वो हमारे रक्षा मंत्री की हो, उस समय पर रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन। तो कृष्णा मेनन के बारे में भी जानेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने क्या गलतियाँ की उसके बारे में जानेंगे, और इसी इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। तो आइए, जैसा कि आप इन दो तीन फोटो में देख सकते हैं, पहले फोटो में जो है जवाहरलाल नेहरू वहाँ के जायजा ले रहे हैं, और वो जायजा लेने में एक समस्या थी, पता है क्या थी आपको। जब 1962 में चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया था, तब हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री साहब थे नेपाल में, और जब नेपाल से काठमांडू एयरपोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू जो है पहुंचे और उनसे मीडिया ने पूछा कि आप बताइए आपके देश पर जो है चाइना ने आक्रमण कर दिया और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि मैंने अपनी सेना को आदेश दे दिया है आप कि आप चाइना को खदेड़ दीजिए। तो ये क्या बात होती है, आपके देश पर आक्रमण हुआ है, आप बढ़िया बाहर घूम रहे हैं शांति से, ये कोई बात होती है क्या? आपको अपने यदि प्रधानमंत्री देश का मुखिया ही देश में नहीं रहेगा तो फिर क्या लड़ाई युद्ध की आप किसी से आशा रख लेंगे। और उस टाइम पे इनकी इनकी गलती और थी कि ये चाह रहे थे हम पूरे शांति का माहौल बनाए, ये इतने बड़े नेता बनने की जुगाड़ में थे कि ये सोच रहे थे कि मैं पूरे विश्व में शांति का माहौल फैलाऊंगा और UNO का सचिव बन जाऊंगा, जो कि पॉसिबल तो था नहीं, लेकिन उनकी इच्छा थी क्योंकि इन्होंने गोटनिरपेक्षता की नीति लाई थी जिसका समर्थन कुछ देशों ने पुरजोर किया था, और इनकी अच्छी फेमस भी हुई थी, ये अच्छी एक वैश्विक नेता बनने की अपनी छवि बनाने के तुक में तो थे, लेकिन वो तुक बेतुकी हो गई। उसने इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और केवल कह सकते हैं इनको क्या नुकसान हुआ, इनकी फैमिली तो आज भी राजा महाराजाओं की तरह रह रही है, लेकिन आज क्या हुआ, हमने अक्साई चीन गवा दिया अपना। और ये जो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में थे, ऑफेंसिव मोड में इनकी पूरी इच्छा ही नहीं थी, और उसके बाद में इन्होंने इंडियन आर्मी का और नेवी का इन्होंने पूरी तरह से यूज़ होने नहीं दिया, जबकि उस समय पे हमारी इंडिया की जो आर्मी थी उसमें इतनी पावर नहीं थी। हम मानते हैं कि हमारे पास हमने संसाधन नहीं थे इंडियन आर्मी के पास, लेकिन इंडियन नेवी और एयरफोर्स उस समय पे चाइना की एयरफोर्स से बहुत अच्छी थी। चाइना की एयरफोर्स हमारे दिल्ली पार तक आक्रमण करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि तिब्बत पार करके आना इतने 5000 मीटर तक की जो प्लेटू को पार करके आना, उसके बाद में 8000 के अप्रोक्सीमेटली वाले पहाड़ों को पार करना, जैसे कि मैं आपको एक फोटो में दिखाता हूँ कि, तो
ये देखिए आप फोटो, ये पहाड़ है हिमालय की, ये तिब्बत का प्लेटू है। फर्स्ट फोटो में तिब्बत का प्लेटू मैंने लगा रखा है, दूसरे फोटो में मैंने लगा रखा है हिमाचल का पहाड़। तो जैसे दोनों फोटो में देख सकते हैं, तिब्बत की जो पहाड़ की जो हाइट है वो है 5,000 मीटर अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद में जो हिमालय की पहाड़ की ऊंचाई होती है वो होती है 8,000 अप्रोक्सीमेटली। जहां पर दुनिया के सारे पहाड़ दम तोड़ देते हैं वहां इसकी एक एवरेज हाइट आती है। अब उसकी एक समस्या थी कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को लांग कर वो नहीं जा सकता हो, जबकि हमारी एयरफोर्स जो है परमानेंट आज भी लद्दाख में लगी रहती है, आज भी हमारी सेना जो है सियाचिन ग्लेशियरों में लगी रहती है। तो ये गलती थी, चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं कि कृष्णा मेनन जी के बारे में। ये उस समय की एक बहुत ही बड़ी गलती थी कि रक्षा मंत्री हमारे उतने सजग नहीं थे। अब सजग नहीं थे मतलब जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा, तो हमने भी खो दिया अपना अक्साई चीन। ठीक है, उस समय पे एक बात और भी थी कि भारत में राष्ट्रवाद की बहुत ज्यादा कमी थी, जातिवाद में एक भारत बटा हुआ था। उस समय पे कह सकते हैं कि कुछ नेता ऐसे हुए जिन्होंने जातियों के नाम पर बहुत फायदा उठाया, जिन्होंने धर्म के नाम पर बहुत फायदा उठाया, लेकिन वो अंततः तो फेमस तो हो गए, कुछ लोग उनको भगवान तक मानने लगे हैं। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जब जातियों के नाम पर नुकसान होता है तो पूरा उसका देश भुगतता है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वो चर्चा का विषय नहीं है। तो जैसा कि आप मेरे साइड देख सकते हैं, ये हैं कृष्णा मेनन साहब। जब 1962 की लड़ाई चल रही थी तो नेहरू साहब थे काठमांडू नेपाल में, और ये भाई साहब थे लंदन में। अब आप एक बात बताइए, जब देश में लड़ाई चल रही है तो देश के जो सेना प्रमुख थे वो जो है रिटायर होकर एक नए सेना प्रमुख, जिनको युद्ध का बहुत ही एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था आप कह सकते हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री काठमांडू में है, देश के रक्षा मंत्री लंदन में है, और यहाँ पे अपने सेना युद्ध लड़ रही है जो इसको पूरी तरह से परमिशन तक नहीं दी गई अभी। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जाके मैंने नीचे वाले एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा मार्क बना रखा है, वहां पर एक और समस्या थी कि जो वहां के लेफ्टिनेंट जनरल थे उनसे जो वो जो ये क्या क्या वापस आ गए कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है। तो एक बात बताइए, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाइए ना एम्स में भर्ती हुई, लेकिन नहीं, वो तो ये बोल के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वापस आकर अपने घर में रुक गए। अब वहां क्या हुआ, चाइना जो है 60 किलोमीटर अंदर तक आ गया था, प्लेट्यू पार करते हुए, पहाड़ियां पार करते हुए ब्रह्मपुत्र के पंजशीर तक वापस आ गया था वो, और पूरे प्लेन्स के शहरों में घुस गया था। अब वहां के चाइना इंडिया से बोलता है कि अब भी आपके पास समय है, 20 किलोमीटर आप अपनी सेना हटा लीजिए, 20 किलोमीटर हम अपनी सेना हटा लें। तो नेहरू जी जब वापस आए तो नेहरू जी ने बोला कि भाई अब यदि आप कहें कि 60 किलोमीटर अंदर आने के बाद कि 60 किलोमीटर आप आ गए हैं, 20 किलोमीटर और हम अंदर चले आए, तो ये तो भाई गलत बात है, 40 किलोमीटर तो आप हमारा खाई जाएंगे, तो क्यों हम अंदर जाएं। तो नेहरू ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब वहां से हुई जो जो चाइना ने एक नया रुख अपनाना चालू किया कि ऑक्यूपाइड चाइना तो चाइना खा ही गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उसने छोड़ दिया, लेकिन ऑक्यूपाइड चाइना चाइना के पास अभी भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो देश हमारे देश का टुकड़ा हमें चला गया वो अलग है, लेकिन हाँ एक बात है कि ऑक्यूपाइड चाइना जो है वहाँ पे एक अच्छा खासा एक क्रिएटिव एरिया है, जो कि प्लेन्स की एक आप कह सकते हैं आता है, थोड़ा सा प्लेन है वो, पहाड़ वहां पर भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वहां पे यदि प्लेन है कुछ तो अच्छी है, लेकिन वहां पे कुछ ही भेड़ बकरियां चराने वाली जनजातियां रहती हैं और वो लोग अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, लेकिन चाइना उनको खुश रहने दे ही नहीं सकता। ये चाइना की एक बहुत घटिया पॉलिसी है कि पकड़ो मारो कूटो और बढ़ाओ, ये माओसून की नीति है, जैसे को बोलते हैं माओवादी नीति। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज में आपको एक नई जगह से परिचित करवाना चाहूंगा, जो कि भूटान, अरुणाचल प्रदेश और जो अदर जो चाइना का ये क्षेत्र पड़ता है तवांग। तवांग का यदि आपने कभी नाम सुना हो, और यदि नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिए, एक बहुत ही स्पेशल एरिया है इंडिया की ज्योग्राफी के फिनोमेना के हिसाब से। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो ये जो प्लेस मैंने मार्क कर रखा है रेड सी, तवांग कहलाता है, ये भूटान और चाइना की जो बॉर्डर पड़ती है इंडिया से, वो एक बहुत अच्छा एरिया है इंडिया के लिए। अभी भी जो चाइना की नज़र है वो इस पर बहुत जोर से है, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है, मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाना चाहूँगा। तो डायग्राम ये आप देख सकते हैं,
तो ये वाला जो डायग्राम है, जो इतना लेवल का ये जो डायग्राम है, और ये चाइना है, ये इंडिया है, यहाँ से इंडिया जो पूरी नजर रख सकता है, लेकिन वहां से चाइना को ऐसे चलना पड़ेगा। यदि ये वाला जो एरिया है ये चाइना के कब्जे में आ जाता है, तो यहाँ से इंडिया का एरिया भी नीचे ही पड़ता है, और वहां से यदि चाइना को रसद मिलना चालू हो जाती है, तो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का जाएगा, पक्का जाएगा। और वहीं से थोड़े आगे चल के चिकन नेक है, चिकन नेक कटी, दैट्स वाई द सेवन सिस्टर हैज गॉन। सात बहने, यानी कि हम जिसको नॉर्थ ईस्ट की जो सात राज्य हैं उनको सात बहने बोला जाता है, सेवन सिस्टर स्टेट्स हम खो देंगे। इसलिए तमांग जो है इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए। अब बात आती है पंचशील का समझौता क्या था, जो ये टॉपिक जो है पहले आना चाहिए था, लेकिन यदि मैं इसको पहले बता देता तो आप कन्फ्यूज हो जाते बहुत सारी चीजों के बारे में। 1954 में इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको कि बोलते हैं पंचशील का समझौता। चलिए जानते हैं पंचशील का समझौता क्या था। तो आइए, जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, आपको कुछ फोटोज मिलेंगे देखने के लिए। ये फोटोज मैंने आपको दिखाया है कि क्या थे पंचशील का समझौता पूरा। और वहां पर ध्यान से देखिए, पांच आपको पॉइंट मिलेंगे, जैसा कि हम आपके संप्रभुता के कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आपके आंतरिक मामलों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे से पहले से गोलियां नहीं चलाएंगे। इसी समझौते के बाद में चाइना ने यह समझौता तोड़ा 1959 में, जबकि इंडिया ने जो है तिब्बत के दलाई लामा को भारत में शरण दी, जिन चाइना जो उस समय में बौखला गया था, एकदम बिकिया गया था। जो जो बिकिया वर्ड है वो बिहारी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सुपर डिग्री ऑफ एंग्रीनेस। तो चाइना जो है बिकिया गया था एकदम उस समय पे, और बिकिया के बोलने लगा कि आपने हमारे दुश्मन को यदि कोई शरण देता है तो वो हमारा दुश्मन कहलाएगा पक्का। लेकिन 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को जो ऑक्यूपाई किया, तो इंडिया ने उस पर कुछ नहीं कहा कि हो सकता, और एक बयान जारी कर दिया गया यहाँ से कि तिब्बत जो है चाइना का पुराना हिस्सा है, और ये वहाँ का यदि हिस्सा अब भी होता है तो हमें इससे कोई समस्या नहीं, जबकि इंडिया को उसको तिब्बत का सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उस समय पे तिब्बत जो है इंडिया का हिस्सा बन सकता था, और यदि वो हिस्सा हमें पूरा का पूरा मिल जाता तो आज इतनी समस्या भारत को कभी नहीं दी होती, और ना ही हमें अक्साई चीन गंवाना पड़ता। यदि हम वहां पे अपनी सेनाएं लगा देते तो मजा चाइना की, चाइना आज यहाँ पे इतनी आग दिखा देता। चाइना की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उस समय में भी उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी थी, आज भी उसकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, चलिए आइए आपको इकोनॉमी के बारे में एक छोटा सा पार्ट समझाते हैं। क्या है AIIB, जो कि जिसको भी बोला जाता है चाइना एशियन बैंक। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप मेरे जो है लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, आपको एक टॉपिक मिलेगा AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडिया ने इस बैंक से जो है दो भागों में 9,500 करोड़ का कर्जा ले रखा है, जिसको कि हम ब्याज भी पे करते हैं। और इस बैंक में जो है अधिकतम ऐसा मोस्ट ऑफ दी इन्वेस्टमेंट जो है चाइना का है। तो आप एक चीज सोचिए, क्यों हमारी इकोनॉमी नहीं गिरेगी? आपके पास यदि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप इतने बड़े हिस्से के एक मालिक हैं, आपके पास खुद की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो आप क्यों किसी बैंक से कर्जा ले रहे हैं? आप खुद भी अपने एक यदि चाहे तो कर्जा दे सकते हैं। और यदि आपको याद हो तो 2019 में मे भी इंडिया ने रशिया को जो है 200 अरब का कुछ कर्ज दिया था, तो वो 200 अरब के कर्ज से आप क्यों नहीं 9,500 करोड़ को पे कर देते हैं? ये फोकस वाले पॉइंट्स हैं जो कि कभी कभी गवर्नमेंट करती है, और उस समय पे हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जिसकी थी वो समझ गए, तो समझना चाहिए उनको कि यदि आप इस चीज को पे कर सकते हैं तो करिए, उस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाइए, ना कि उस बैंक से अपने कर्जे वाली हिस्सेदारी बढ़ाइए। तो चलिए इस वीडियो को अभी हम अंत करते हैं ना, अभी चलिए सकते हैं, और जल्दी से हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट 2। तब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 2 आने वाला है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।